अरे चल रे, मेरे से कुछ सीखो डिजाइन के बारे में। अगर RTR 200 का इंजन मुन्ना भैया है तो मेरा इंजन गुड्डू भैया है, समझते हो बात को? हे गाइज, व्हाट इज अप, माय नेम इज नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टू बाइक्स। एंड ये दोनों बाइक्स हैं अपाचे RTR 204V एंड पल्सर NS 200 BS6। और ये दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हैं, और आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है और कौन सी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी बाइक किसके लिए बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दो कैरेक्टर शो करने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो फनी हो सकता है, तो आप देख लेना। कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोड़ दवाएँ, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो भैया, मेरा नाम है अपाचे RTR 204V और मैं TVS पुर से हूँ, और मुझे कौन नहीं जानता। और भाई साहब, मैं हूँ बजाज पल्सर NS 200 और मैं बजाज पुर से हूँ, और मैं ही हूँ भैया ब्रह्म, और मैं ही हूँ खिलाड़ा। आई एम डेफिनेटली मेल। हाँ तो भैया, मेरे तीन वेरिएंट हैं। पहला तो मैं एक सिंगल चैनल ईबीएस के साथ आता हूँ, और दूसरा मैं डुअल चैनल ईबीएस के साथ आता हूँ, और एक वेरिएंट मेरा और है जो ऐसे लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड मोटरसाइकिल चाहते हैं। तो एक तीसरा वर्जन है मेरा जो कि है डुअल चैनल ABS विद मॉड्स के साथ आता हूँ मैं, तो वहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको एडजस्टेबल फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ एडजस्टेबल लीवर भी मिल जाते हैं। और मैं मार्केट में 1,56,000 रुपये से लेकर 1,65,000 में बिक जाता हूँ फुल। और मेरा मार्केट में भैया केवल एक ही वेरिएंट है, और मैं लगभग 1,61,000 में मार्केट में बिक जाता हूँ, और ABS है ही मेरे पास। आगे बात करते हैं। हाँ तो भैया, जो मेरा पुराना लुक था उससे ज़्यादा मैं खुश नहीं था, इसलिए मैंने अपने लुक को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर लिया। अब मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ देखने में, और मेरे पास सामने की तरफ आपको LED फुल्ली सेटअप देखने को मिल जाता है, और उसके साथ आपको DRL भी देखने को मिल जाता है, जिसकी ब्राइटनेस बहुत ही तगड़ी है। नाइट टाइम में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ तो भैया NS 200 के पास तो है ही नहीं। अभी देखते हैं क्या बताता है वो। और दूसरी बात, मेरे पास है LED टेल लाइट पीछे की तरफ, और स्प्लिट सीट का सेटअप, और जो एक मेरा मस्कुलर टैंक है जिसमें RTR और वो घोड़ा बना रहता है ना, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर की है। और नीचे की तरफ आपको एक काउल देखने को मिल जाता है, जिसको हम इंजन काउल बोलते हैं। ओवरऑल लुक मेरा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और अब NS 200 की बात सुन लेते हैं भैया क्या कहते हैं वो। अरे चल रे, मेरे से कुछ सीखो डिजाइन के बारे में। और मेरा डिजाइन भैया कुछ ऐसा बजाज वालों ने बनाया था ना कि आज तक कभी चेंज करना ही नहीं पड़ा। और होता क्या है मेरे साथ, जैसे कि त्यौहार में हर साल होली आता है, उसी तरह मेरे कपड़े भी हर बार चेंज कर दिए जाते हैं, और मेरे पास कुछ कलर स्कीम आ जाती हैं और मेरे कलर चेंज हो जाते हैं। बाकी डिज़ाइन भैया ऐसा है कि कभी चेंज ही नहीं हुआ है। और मेरे पास आपको पीला प्रकाश वाला हाइलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, और उसमें भी DRL देखने को मिलते हैं, जो कि मानता हूँ कि ओल्ड है, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको पल्सर का सिग्नेचर टेल लाइट देखने को मिलता है, जो कि कतई जहर लगता है, और उससे आप तो मुझको पहचान ही जाते होगे कि मैं ही जा रहा हूँ भैया उस गली से, मैं ही जा रहा हूँ। और मेरे पास भी स्प्लिट सीट है, और मेरे पास भी बड़ा वाला टैंक है जिसमें 3D में पल्सर लिखा हुआ है, और वो भी 12 लीटर का है। तो मेरा भी लुक कमज़ोर नहीं है, लेकिन हाँ मानता हूँ मैं पुराना हो चुका हूँ भाई। उसके लिए RTR जी थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं मेरे से, लेकिन अभी 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत तगड़ा काम करता हूँ, देखते हैं। अगर भैया फीचर्स देना सीखना है मेरे से सीखो, मैं बताता हूँ मेरे पास क्या क्या फ़ीचर है। पहली चीज़ तो मेरे पास एक फुल्ली डिजिटल कंसोल है, जो कि इनके पास नहीं है। और दूसरी बात, फ़ीचर्स की तो ऐसी लिस्ट है भाई साहब की बात ख़त्म ही नहीं होने की, और इसके लिए मुझे अपनी पुस्तिका खोलनी पड़ रही है आपको अपने फीचर्स बताने के लिए। तो मेरे पास पहली चीज़ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, उसके थ्रू आप रेस टेलीमेट्री देख सकते हैं, और फ्यूल को असिस्ट करवा सकते हैं। मेरे पास स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, टॉप स्पीड रिकॉर्डर है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और सर्विस रिमाइंडर है। मैं अपने जो अगर मैं अपनी गाड़ी को लेटाना चाहता हूँ लीन एंगल्स में, तो वो भी मैं जान सकता हूँ इस मोटरसाइकिल के थ्रू, यानी मेरे थ्रू, और वो चीज़ बगल वाले के पास नहीं है। और मेरे पास है GTT टेक्नोलॉजी, और मेरे पास है राइडिंग मोड्स, और मेरे पास है एडजस्टेबल सस्पेंशन। समझ रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है। तो फीचर्स के मामले में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरे पास अभी स्लीपर क्लच भी
अवेलेबल है। अब और अब देख लेते हैं इनके पास क्या है। इस मामले में भैया मेरे पास बताने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास है एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और एक बात आप सोच के बताओ, अगर निडल ऊपर की तरफ जाती है तो आपको कैसा फील होता है? एकदम एंडरलिन थोड़ा सा आता है बॉडी में कि यार क्या ही मज़ा आ गई भाई साहब भगाने में, क्या सुई ऊपर जाती है। लेकिन मेरे पास ब्लूटूथ का लोगो है, लेकिन वो ब्लूटूथ नहीं है, वो बजाज का लोगो है। मेरे पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, मेरे पास किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सेप्ट इंजन। और जब उसकी बारी आएगी तब मैं बेटा तुमको देख लूँगा RDR 200। और जो फीचर्स का जो बैटल है वो मैं हार चुका हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करनी चाहिए बजाज को, लेकिन वो नहीं लॉन्च कर रहे हैं। अगर होती है तब फिर मैं इनको भी देख लूँगा। और भैया बात करें मेरे इंजन के बारे में, तो जो मेरा इंजन है वो ऑयल कूल्ड है, 4 वाल्व है और 200cc का है। और मेरे पास है स्लिपर क्लच और GTT टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ जो मेरा इंजन है ओवर स्क्वायर इंजन है, और मैं लगभग 20 BHP के आसपास पावर पैदा कर देता हूं और 17 Nm का आपको टॉर्क पैदा करके दे देता हूं। और साथ ही साथ जो मेरा माइलेज है, पहले मैं कम दिया करता था लेकिन अब ज़्यादा देने लगा हूं। मेरा जो अब माइलेज है लगभग 35 किलोमीटर पर लीटर का अब मैं आपको दे देता हूं आराम से। और दूसरी बात, पहले मैं वाइब्रेट बहुत करता था, मेरे में वाइब्रेशन के इशू थे पहले, लेकिन अब वाइब्रेशन के भी इशू सॉल्व हो चुके हैं। और मेरा जो इंजन है अब काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है फ्यूल इंजेक्शन की वजह से, और मेरे में बोस का फ्यूल इंजेक्शन लगाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और दूसरी बात, मैं एक ऐसा मोटरसाइकिल हूँ जो आपको टूरिंग में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकता हूँ। मुझे आप 90 से 100 के बीच में दिन भर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी मैं गर्म भी नहीं होता हूँ। और मेरे अगर रिलायबिलिटी के बारे में बात करोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हूँ, मेरे में जल्दी पार्ट्स ख़राब नहीं दिखेंगे आपको, मतलब जल्दी से वेयर एंड टेयर होता ही नहीं है मेरे साथ। और मैं लॉन्ग लास्टिंग तक चलने के लिए बनाया गया हूँ, क्योंकि TVS है भैया आजकल रेस में बहुत तगड़ा काम कर रही है, वही सब चीज़ें मेरे अंदर पेल दी गई हैं, तो मतलब समझ सकते हो मैं इंजन काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ पहले से, और हर तरह की चीज़ों में मैनेज कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास राइडिंग मोड्स भी आ चुके हैं, तो क्या ही कहना भैया, राइडिंग मोड्स भी हैं, चाहे आप अर्बन चलाओ, चाहे रेंज चलाओ, चाहे स्पोर्ट चलाओ, जो मन करे वो चलाओ। तो इंजन के मामले में भैया हमसे अच्छा तो कोई नहीं, अब देखते हैं NS भैया क्या कहते हैं। तो भैया मेरे इंजन को आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर RTR 200 का इंजन मुन्ना भैया है तो मेरा इंजन गुड्डू भैया है, समझते हो बात को। मेरे पास है 24 BHP की पावर और 18 Nm का टॉर्क, और साथ ही साथ जो मेरा इंजन है लिक्विड कूल्ड है, उनके पास तो ऑयल कूल्ड था ना, मेरे पास लिक्विड कूल्ड है, और 4 वाल्व मेरे पास भी हैं। और जो मेरा इंजन है भैया, तो जब हमने KTM के साथ साझा किया था ना, तब मैंने उससे ले लिया था, और ये वही इंजन है जो आपको ड्यूक 200 देखने में मिलता है और RC 200 में देखने को मिलता है। तो मेरी जो परफॉर्मेंस है ना, अप टू द मार्क है, और मेरी टॉप स्पीड अगर आप देखोगे तो मैं 140 कब पहुंच जाता हूं, ये RTR को हवा भी नहीं लगेगी, समझ रहे हो। और दूसरी बात, जो मेरा माइलेज है वो 30 KMPL के पास मिल जाता है, और जो मेरे पास गेयर हैं 6 गेयर हैं, 1 गेयर मेरे पास ज़्यादा है RTR 200 से। तो भैया इंजन के मामले में RTR 200 आप समझ गए होंगे कि मेरे पास क्या है। और मेरे पास लेकिन स्लिपर क्लच नहीं है, और ना ही मेरे पास GTT टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास परफॉर्मेंस है, वो भी दबा दब परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गुड्डू भैया हूँ परफॉर्मेंस के मामले में। और ये RTR भी एक्सेप्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में अगर देखा जाए तो जो NS 200 का इंजन है वो बहुत तगड़ा है, यानी मेरा जो इंजन है बहुत तगड़ा है। और ये वाला जो मेरा इंजन है ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, जो मेरे ओल्ड इंजन आते हैं जैसे कि 150 या 220 वगैरह में, तो उनका इंजन इतना रिलायबल नहीं है, बट जो मेरा ये वाला इंजन है NS 200 वाला इंजन, वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, और काफ़ी अच्छे से आप इसमें भी टूरिंग कर सकते हो, क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाँ, ये मानता हूँ मैं कि जो मेरी राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है अपाचे RTR 200 4V की कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन कम है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वाइब्स ज़्यादा हैं, वहाँ नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा इंजन देख रहे हो जिसमें आपको राइड क्वालिटी ज़्यादा मिले, तो अपाचे 200 आपके लिए है। अगर आप एक ऐसे लौंडे हो जो परफॉर्मेंस चाहता है, स्टंट चाहता है, टूरिंग करना चाहता है, और उसको थोड़ा सा टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो NS 200 आपके लिए। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इंजन किसका बेस्ट है।
मेरे भैया ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सामने आपको पेटल डिस्क मिलता है 270 mm का और पीछे की तरफ आपको मिलता है 240 mm का पेटल डिस्क। आपको यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन है मेरे पास और डबल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। और साथ ही साथ जो मेरे टायर है सामने आपको 90 का टायर मिल जाएगा 90 सेक्शन और पीछे का आपको 130 सेक्शन का टायर मिल जाएगा और उसमें भी आपको रेडियल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो मन करे वो खरीद लो। और मेरी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ब्रेकिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, फीडबैक और बाइट दोनों ही काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर ABS रिक्रूट नहीं करता है जो कि अच्छी बात है मेरे साथ, और काफ़ी अच्छे से आपको ब्रेकिंग फीडबैक देखने को मिलेगा मेरे साथ। भैया मेरे ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सामने आपको उससे बड़ा ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 300 mm का डिस्क मिल जाता है सामने और पीछे की तरफ आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है। और मेरे पास भी ABS है और सामने आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है और पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। और मेरी भी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जिस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ उसके हिसाब से मेरी भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छा फीडबैक और बाइट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यानी उनकी भी ब्रेकिंग अच्छी है और मेरी भी ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग के मामले में कोई इशू नहीं है दोनों ही मोटरसाइकिल में। और दोनों ही बाइक की कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है और इन मोटरसाइकिलों में जो आपकी सीटिंग पोजिशन है वो टोटली अपराइट रहेगी, जहाँ पर आपका रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है सीट में और पिलन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड भी मिलता है, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी बैठा सकते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में कोई इशू नहीं है। तो अगर कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप इनसे टूर भी कर सकते हो ओकेजनली और संडे राइड्स वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन मोटरसाइकिलों में थोड़ा सा मॉडिफाई करके टॉप बॉक्स वगैरह भी लगा सकते हो और टूरिंग रेडी कर सकते हो, नो इशू। इन दोनों ही बाइक में कोई इशू नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो बात करें इन दोनों ही मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में तो दोनों ही बाइक में आपको सेम सस्पेंशन मिलते हैं, सामने आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलते हैं। लेकिन अगर RTR की बात करें तो RTR में पूरा ही भैया गेम चेंज है। यहाँ पर आपको सोवा सस्पेंशन मिलते हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और नॉर्मल वाले में आपको KYB सस्पेंशन मिलते हैं। तो समझ सकते हो जो ब्रांडेड वाले सस्पेंशन है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, इनमें आपको काफ़ी अच्छी यूटिलिटी भी मिल जाती है। S200 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बजाज वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और इनकी जो ट्यूनिंग है ये मीडियम साइड पे है, ना तो ये ज़्यादा स्टिफ है और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं। कॉर्नर वगैरह में भी आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा इन दोनों ही मोटरसाइकिल में। लेकिन अगर देखा जाए तो सस्पेंशन को अगर सपोर्ट करने वाला कोई फ्रेम अच्छा है किसी गाड़ी में तो वो NS200 में है, क्योंकि इनके पास पेरीमीटर फ्रेम है जिसकी वजह से एजिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और कॉर्नर में कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और वहीं आपका जो TVS है वहाँ पर आपको ट्यूबलर फ्रेम मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, इतना भी गलत नहीं है, लेकिन पेरीमीटर फ्रेम ज़्यादा बेस्ट रहता है। और भैया मेरी प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे तो मेरे सर्विस नेटवर्क हर जगह आपको अवेलेबल है और जो मेरा ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है और जो मेरा वजन है वो 153 किलो का है, तो मैं काफ़ी लाइट वेट भी हूँ NS से। अभी NS को भी बताते हैं NS का कितना है। और जो मेरी सीट हाइट है वो 800 mm की है जो कि शॉर्ट राइडर और टॉल राइडर दोनों ही चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ भैया, तुम आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया मेरी बात करें तो मेरे पे सर्विस नेटवर्क आपको हर जगह मिल जाएंगे और पार्ट्स भी इजीली मिल जाएंगे और सर्विस भी मेरी सस्ती है। और जो मेरा ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm है और जो मेरा वेट है वो 156 किलो का हूँ मैं। हाँ तो भैया फाइनली बात कर लेते हैं मिर्जापुर का किंग कॉन। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अगर देखा जाए फीचर्स के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और यूटिलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से अपाचे RTR 200 किंग है मिर्जापुर की और 200 NS भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर दो कैटेगरीज डिवाइड करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को राइड क्वालिटी चाहिए और आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए और सर्विस नेटवर्क अच्छे चाहिए और साथ ही साथ सर्विस सस्ती भी हो और परफॉर्मेंस भी चाहिए और आपको फीचर्स भी चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर TVS बाइक्स, क्योंकि इनमें आपको किसी भी तरह का इशू नहीं दिखेगा, ख़ास तौर पे बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो और नहीं दिखेगा। और दूसरे सिनारियों में मैं उन लोगों को रखना चाहता हूँ जो लोग बाइक का थ्रिल फील करना चाहते हैं, जो लोग टॉप स्पीड ज़्यादा चाहते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहते हैं और उनको थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी से इशू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप NS200 ले सकते हो। वहाँ पर आपको फीचर्स कम मिलेंगे लेकिन परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी और अगर मेरी चॉइस देखें तो मैं जाऊँगा RTR 200 4V की तरफ।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड सेफ राइड।